हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मैजिक जोन के एक नए वीडियो पे। दोस्तों, आप लोग बहुत दिनों से विश कर रहे थे कि भाई कुछ मैथ ट्रिक लेके आओ, तो आज एक मैथ ट्रिक आप सबके लिए। ये ट्रिक आप सीख के स्कूल में, कोचिंग में सबको हैरान कर सकते हो, ठीक है? ये इतना मजेदार है। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए, वो भी सिर्फ चुटकी में, ठीक है? अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो पहले मैं दो करके बताता हूँ आपको। मान लीजिए रैंडम नंबर 2, 4, 8, 2, 6, ठीक है? इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आपको क्या लगता है? मैं बताता हूँ, 1, 2, 4, 1, 3, 0। दोस्तों ये आएगा आंसर। अब मैंने कितना जल्दी ये कर लिया, ठीक है? आप ऐसे स्पीड में ही कर सकते हो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे, ठीक है? अब और एक रैंडम सा नंबर लिखते हैं, 5, 3, 7, 9, 6, 3, ठीक है? इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, चलिए मैं कर लेता हूँ। 2, 6, 8, 9, 8, 1, 5। दोस्तों ये आएगा आंसर, और ये दो आंसर एकदम करेक्ट है। आप कैलकुलेटर का यूज़ करके देख लो, ठीक है? अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने ये दो किया, ठीक है? तो चलिए सीखते हैं इस ट्रिक को। दोस्तों इस ट्रिक को करने के लिए आप लोगों को जो चाहिए वो है एकदम साधारण सा कैलकुलेशन का टेक्निक, ठीक है? हमने जो किया, आप इधर देख सकते हो कि सारे नंबर मतलब एकदम समान है, 2, 4, 8, 2, 6, मतलब इसमें कोई ऑड नंबर नहीं है, ठीक है? जैसे 3, 5, तो इन सब नंबर को डिवाइड करना बहुत ही आसान है, ठीक है? तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे। इस नंबर को देखिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1, 4 को डिवाइड करेंगे 2, 8 को 4, 2 को 1 और 6 को 3, और ऐसे ही सब नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाते हैं तब आएगा लास्ट में बैठेगा 0, ठीक है? ये सिर्फ इस 5 से मल्टीप्लाई करने का टेक्निक है। अब अगर कोई नंबर में ऐसे और नंबर रहेगा, जैसे कि मान लीजिए 5, 3, 7, 9, 6, 3, तब क्या करें? तब भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन उसमें भी एक टेक्निक है। जैसे कि हम लोग इसको ऐसे करेंगे, 2 दुगुने 4, ठीक है? हाथ में रहा 1 और 3, मतलब 13। 6 into 2, 12 हो जाता है, 6 बैठ जाता है, हाथ में रहता है 1 और 7। 8 दुगुने 16, 16 8 बैठ जाता है, 16 अगर घट जाए तो क्या होता है, 7 से 1 रहता है। 19, 9, 18 हाथ में रह जाता है 1, 8, 16 हो जाता है। फिर 2 से डिवाइड करने के बाद 3 को आ जाता है 1, हाथ में रहता है 1। अगर हाथ में कोई भी नंबर बचे तब आपको लास्ट में 5 लिख देना है, ठीक है? जानता हूँ ये सुनने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो अभी मैं आपको ये करके बता रहा हूँ, एक और नया एग्जाम्पल देके करके बता रहा हूँ, ठीक है? और एक बार अगर आप ये समझ गए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अब पहले इस ऑड नंबर से शुरू करते हैं, जो कि टफ है आप लोगों के मदद के लिए। 7, 6, 8, 9, 5, 3, ठीक है? अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। दोस्तों ये मुंह में ही हो जाता है, ठीक है? आप मतलब इसको करने के लिए आपको रफ पेज की जरूरत नहीं पड़ता है, आप इसको मुंह पे ही कर सकते हो। तो फिर भी मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है? देखिए, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 to 6 आ जाता है 1, 16, 8, 16, ठीक है? ये मिल जाता है। अब ये एकदम डिवाइड का वो रूल फॉर अप्लाई नहीं होगा कि मिल जाएगा तो कुछ बैठेगा, 0 बैठेगा, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है? फिर आएंगे हम लोग 8 की तरफ, ठीक है? 8, 4 हो गया, 8 भी मिल गया दोस्तों। फिर आएगा 9, अब 4 दुगुने 8, ठीक है? अब 1 रह जाएगा, 1 के साथ होगा 5, होगा 7 दुगुने 14, 14 बैठ जाएगा, हाथ में रहेगा 1 और 3, तो 6 दुगुने 12, और हाथ में रह जाएगा 1। अब जब हाथ में 1 रह जाएगा दोस्तों, जब भी हाथ में कुछ भी रहे तब आपको लास्ट में 5 बिठाना है, जैसे कि इस हाल में हुआ, ठीक है?
लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा है जिसमें कुछ भी नहीं बचेगा तो लास्ट में सिर्फ जीरो बैठ जाएगा, यही है सीक्रेट। अब मैं वीडियो के लिए आपको, जिससे कि ये बाहर ना निकल जाए वीडियो के, इसलिए मैंने ऐसे किया, ठीक है। मैं आपको और एक इजी एग्जांपल देता हूँ। इजी एग्जांपल ऐसा दे सकते हैं आपको, 4, 6, 8, 2, इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख सकते हैं इधर सारे नंबर मतलब ऑड नहीं, कोई भी नंबर ऑड नहीं है, तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2, 3, 4, 1, और सब मिल गया लास्ट में 0, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए, इसको भी 2 से डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड के बाद अगर कुछ रह जाएगा तो लास्ट में 5 बैठेगा, और अगर डिवाइड के बाद कुछ नहीं बचा तो 0 बैठेगा। ये था इजी सा सीक्रेट। अब मैं आपको एक, मतलब आप सब जो घर में देख रहे हो, आप सबको एक टास्क देता हूं। आप लोग ये वीडियो देख गए, आपको समझ में आ गया कैसे ये करते हैं, तो आप कमेंट में इस मैथ का आंसर दो, ठीक है, जो मैं अभी आपको दूंगा, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप लोग वीडियो एकदम लास्ट तक देखते हो। 7, 5, 4, 3, 1, 2, 8, इसको अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, जो जो कमेंट बॉक्स में सही जवाब देगा मैं उसको एक हार्ट दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर करना, और परफॉर्म करने के बाद कैसा लगता है ये भी मुझे बताना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे कोई अच्छे मैजिक के साथ, तब तक बने रहिए मैजिक जोन पे और ऐसे ही मजेदार मजेदार चीज सीखते रहिए।